साइकोजेनिक कारणों से उत्पन्न इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे मैनेज करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। मेरा सदैव लक्ष्य रहता है कि मैं आपको ऑथेंटिकली सही जानकारी दूं। आपके मन में जो भी भ्रम है, जो भी आपके मन के अंदर सेक्स को लेके अज्ञानता है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। आज हम बात करेंगे कि जो साइकोजेनिक कारणों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, उसको हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि आज की डेट के अंदर साइकोजेनिक कारणों से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके काफ़ी रोगी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने देखा काफ़ी लोगों के अंदर साइकोजेनिक कारणों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भले उसके पीछे एंजाइटी हो या परफॉर्मेंस एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, टेंशन हो, सारी चीज़ें इस चीज़ को इफेक्ट कर रही हैं। देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यदि किसी पुरुष के अंगों में पूरा ब्लड नहीं बढ़ता या इरेक्शन आती है चली जाती है या इरेक्शन बीच के अंदर ही चली जाती है, यदि इरेक्शन में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसके पीछे दो कारण मान सकते हैं। कुछ हेल्थ इशू के कारण होते हैं, जो फिजिकली हेल्थ इशू, फॉर एग्जांपल किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम आ रहा है। तो ये सारी जो कारण होते हैं वो फिजिकली कारणों से उत्पन्न होते हैं। दूसरे कारण साइकोलॉजिकली कारणों से हैं, जैसे उसके परफॉर्मेंस एंजाइटी हो या स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इसको हम कैसे मैनेज करें। देखो, यदि साइकोजेनिक कारणों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले तो आप पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करो कि सच में उसको पूरी बात समझाओ कि मेरे इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि यदि आप पार्टनर से बात करेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे दूर हो जाएगी आपकी। यदि पार्टनर से आप बात करोगे, पार्टनर को बोलोगे, यदि पार्टनर आपको कोऑपरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिलता है। क्योंकि आपके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम कब आती है? जब पार्टनर के पास जाते हो। यदि पार्टनर कोऑपरेट करेगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरी जो बात है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को नॉर्मल लेके चलो, आप कॉमन मानो उसको। यदि आप इसको बहुत बड़ी बीमारी मानोगे, समस्या क्रिएट करेगी। आप क्या है कि उस बीमारी को बहुत बड़ा बना लिया आपने कि मेरे तो क्या है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे होगा, जिंदगी कैसे निकलेगी। यदि आगे आगे आप अंदर अपने अंदर उसकी एंजाइटी बढ़ा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि इसको मान के चलो कि इधर नॉर्मल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, तो आपको उस चीज़ की एंजाइटी नहीं होगी, उसका स्ट्रेस नहीं होगा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तीसरी बात है कि जब भी आप रिलेशन करते बनाते हैं, जब भी आप सेक्स करते हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर कोशिश करो कि स्टिमुलेशन पे ध्यान दो आप। जो चीज़ें स्टिमुलेट कर रही हैं उसी पे ध्यान दो आप, बाकी फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो आप। आप ये सोचो कि इरेक्शन कैसी आ रही है, कैसी आएगी, बीच में चली जाएगी, नहीं आएगी, मेंटेन हो रही है, नहीं हो रही है। यदि आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान देंगे, आपकी बीमारी बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। यदि आप ओनली स्टिमुलेशन पे, जो चीज़ें आपको स्टिमुलेट कर रही हैं, आपका कंसंट्रेट केवल उसी के ऊपर होना चाहिए। यदि आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। चौथी बात यह है कि यदि कई बार क्या होता है कि बच्चे साथ में सोते हैं, कई बार क्या बड़े बच्चे होते हैं वो साथ में सोते हैं, तो उसका डर रहता है कि बच्चा उठ ना जाए, तो उस कारण भी इस टाइप की समस्या आ जाती है। या शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है पास से, उस कारण से ये प्रॉब्लम आ जाती है। कोई मान लो कि गेट ना खड़का जाए या इस टाइप के कुछ एक्सटर्नल कारण होते हैं, उसको भी आप दूर करने की कोशिश करो। यदि आप सारा कुछ करने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से या एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। तो उसको आप सारी बात बताओ कि आपके साथ इस टाइप की समस्या आती है। उस कंडीशन में डॉक्टर पहले तो डायग्नोज करता है कि आपकी बीमारी का रियल में कॉज क्या है, ठीक है ना। तो वो पूरी, अगर उनको लगता है कि आपकी जांची की कुछ ज़रूरत है, तो आपकी जांचें कराएगा। अगर मेरे को उम्मीद है कि वो जब आपकी जो समस्या को पूरी तरह से डायग्नोज कर लेगा, तो उम्मीद है कि आपकी ये समस्या दूर